पॉलिटिकल साइंस में इलेक्शन, चुनाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चुनाव आपके मुल्क में भी होने वाला है और चुनाव जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के दिन हम जब बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम वोट कास्ट करने जाते हैं, एक पार्टी को वोट करते हैं, दूसरी पार्टी को वोट नहीं करते हैं। हम एक तरह की सरकार को चुनना चाहते हैं, दूसरी तरह की सरकार को समर्थन नहीं करते हैं। ये सारी चुनाव की बातें हैं। चुनाव में प्रचार होता है, चुनाव में नेता लोग जो हैं आपको अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चुनाव के बारे में कोई भी इंसान जो है जानता है। जो मैं चुनाव के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बातें आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ी होगी इस बातों को। ये बातें आप लोगों को और भी पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। यहाँ भी इलेक्शंस हमको पढ़ना है और एक तरह के सवाल आप लोगों को आते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखिए, है ना, फर्स्ट पास पोल के बारे में लिखिए, भारत की चुनाव प्रणाली कैसी है इसके बारे में लिखिए। यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ चुनाव के बारे में लिखिए। चुनाव की वजह से वंचित तबके के अधिकार कैसे दब जा रहे हैं इसके बारे में लिखिए। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है इसके बारे में लिखिए। ये तमाम सवाल जो हैं, इसके तार, इसके रिश्ते एक साथ जुड़े हुए हैं। एक समझने की कोशिश करेंगे तो दूसरी चीज़ भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है, चुनाव क्या है, व्हाट इज इलेक्शन। अब इलेक्शन के बारे में व्यक्तियों की एक राय नहीं है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि इलेक्शन जो है वो एक जश्न का दिन है, लोकतंत्र का जश्न मन रहा है। आपने देखा होगा कि अखबार के बहुत सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं, जब इलेक्शंस का टाइम आते हैं तो उसमें ऐसे लिख देते हैं, डेमोक्रेसी सेलिब्रेशन, जश्न लोकतंत्र का, इस तरह के प्रचार भी आते हैं। तो क्या लोकतंत्र जो है ये जश्न ही सिर्फ है, या लोकतंत्र और चुनाव जो है हमारे लिए अस्तित्व, हमारी लड़ाई, हमारी अधिकारों की रक्षा की भी लड़ाई है? सिर्फ हमारे लिए वोट कास्ट करना और फिर एक पिक्चर लगाना, ओ आई एम 18, आई हैव कास्ट माई वोट, सिर्फ इतना ही है, या हमारे लिए ये जिंदगी का भी सवाल है? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसी स्टडी हुई है कि चुनाव में कौन वोट करने जाते हैं, चुनाव में किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा वोट करने के लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्टडीज़ आई है कि जो तबका बहुत ही अमीर होता है, जो तबका बहुत माल और पैसे वाला होता है, उसको चुनाव के लिए क्या लगता है, अरे यार ये पॉलिटिक्स बहुत ही, हमको क्या लेना है, हम चुनाव के दिन हमको नहीं जाना है वोट करने, हम दिन में सोएंगे, पार्टी करेंगे या चुपचाप जाके किसी को वोट देंगे, हमें ज़्यादा चुनाव से मतलब नहीं है। लेकिन गरीब आदमी जो है वो चुनाव को अपनी ज़िंदगी के साथ देखता है। कौन सी पार्टी आएगी तो उनके इलाके में बिजली सप्लाई होती रहेगी, कौन सी पार्टी आएगी तो उनके यहाँ पानी मिलेगा, कौन सी पार्टी आएगी तो उनकी जानो माल की हिफाजत होगी, कौन सी पार्टी आएगी तो उनके लिए सिक्योरिटी देगी। यानी जो वंचित तबका है, जो दलित, जो पिछड़े, जो मुसलमान, जो कमज़ोर, जो मजदूर, ये लोग वोट डालने के लिए ज़्यादा उनके अंदर में जोश पाया जाता है, वो ज़्यादा जोर शोर से लाइन लगा के वोट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो अमीर तबका है उनको क्या लगता है, क्यों वोट करें, क्या मिलेगा, हमारा काम तो चल रहा है। तो अमीर तबके के बीच में चुनाव को लेके, पॉलिटिक्स को लेके एक बहुत ही निगेटिव एक ट्रेंड पाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, और गरीब आदमी के अंदर में चुनाव को, लोकतंत्र को लेके उनको लगता है ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, इससे हमें कुछ अधिकार मिलता है, हम नागरिक हैं, सरकार कुछ हमारी सुनती है, चुनाव की वजह से सुनती है। अगर चुनाव ना हो तो हमारे अधिकार ऐसे भी ख़त्म हो जाएंगे।
अमीर लोगों के अधिकार तो हर जगह सुरक्षित ही है, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, इंडस्ट्री है, कार है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन गरीब के पास जो झुग्गी में रह रहा है, आज पानी एमसीडी से आएगा कि नहीं आएगा डिपेंड करता है कि एमसीडी में कौन सी पार्टी है ना, या आपको विधानसभा में कौन सी पार्टी है। तो उनके लिए चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चुनाव किसी के लिए महज वोट डालने का है, किसी के लिए सेलिब्रेशन है, किसी के लिए वो सेल्फी पॉइंट है, किसी के लिए एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, किसी दिन के लिए है कह रहे चलो यार जल्दी से वोट कास्ट कर लो, उसके बाद तो शाम को पार्टी ही होगी। लेकिन बहुत लोगों के लिए, दलित पिछड़े मुसलमान के लिए, वो जान की लड़ाई है, वो है ना, वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। कौन सी सरकार आएगी तो हमारे मोहल्ले पे हमले नहीं होंगे, और कौन सी सरकार आएगी तो हमारे घर पे पानी रहेंगे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसलिए चुनाव को इतना आसानी से गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी नहीं लेता है उसके लिए, ए मुझे क्या करना है पॉलिटिक्स से, है ना, पॉलिटिक्स से क्या करना है मुझे, क्या करना है पॉलिटिक्स से, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गरीब आदमी के लिए सवाल नहीं है, जिनके घर पर पानी नहीं आते हैं और कोई मैकेनिज्म नहीं है पानी लाने के लिए, वही जो नेता आएंगे तो चुनाव के दिन या कोई आप उनकी बात मान के कह सकते हो हमारे यहाँ पानी नहीं है, शायद उस दिन सुने। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आप देखिएगा बिजनेसमैन जो हैं, बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि लोकतंत्र को अपने मुताबिक इसको मोड़ दें, लेकिन दूसरी तरफ ये जनता की सरकार है। नेता लोगों के पास क्या होता है, वो नेता लोग चाहते हैं कि हम अमीरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करें, लेकिन नेता को इस बात का भी डर है कि अगर हमने बहुत ही ज़्यादा कर दिया तो जनता का वोट नहीं मिलेगा तो हम सत्ता से भी बाहर चले जाएंगे। तो ये भी देखिए रे, इंडिया में इतने सारे मायूसी के बाद भी बहुत सारे मुल्कों में जो पैसे वाले लोग हैं वो पॉलिटिक्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बावजूद इसके चूँकि वोट है, लोगों की ताकत है, इसलिए उनको वो गरीब को, कमज़ोर वर्गे को हमेशा दरकिनार नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इग्नोर ही। सो इलेक्शन बड़े लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन हो सकता है, उसको इग्नोर करने के लिए वो एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन लोअर तबके के लिए, मार्जिनलाइज तबके के लिए ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है, वो उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। इसीलिए इंडिया में स्टडी हुआ है कि जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, जो दलित होते हैं, वो ज़्यादा वोट करने के लिए लाइन लगा के वोट करने के लिए जाते हैं, यानी अमीर कॉलोनियों से ज़्यादा गरीब कॉलोनियों में लोग वोट देने के लिए जाते हैं। उनके अंदर में पॉलिटिकल समझदारी ज़्यादा है, वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा रोड पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका स्टेक है। अमीर लोगों का क्या है, उनके दसों हाथ जो है ना घी में पड़े हुए हैं, उनके सब कुछ है, उनको क्या है। अगर मान लीजिए कि इस कॉलेज के अंदर में आपके घर का प्रिंसिपल भी हो, आपका कोई, आप मान लीजिए आपका जान पहचान का प्रिंसिपल हो, आपके टीचर आपके जान पहचान के हो, आपके पास पैसा हो, तो इस कॉलेज में कोई भी पॉलिसी आए तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं, आपके पिताजी जो हैं मान लीजिए सब्जी बेचते हैं, और यहाँ पर फीस 5,000 से बदले अगर 10,000 कर दी जाए तो आपकी पढ़ाई रुकने का खतरा हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र को में चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और चुनाव में जो वंचित तबके हैं, जो कि समाज में सबसे ज़्यादा होते हैं, उनके लिए चुनाव सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही सिर्फ नहीं है। ये सेलिब्रेशन हो सकता है लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, वो उनके अस्तित्व की भी लड़ाई है। इसलिए आप देखेंगे कि अमीर मुल्कों में, जैसे आप मान लीजिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ज़्यादा लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्क, जो गरीब मुल्क हैं, उनके मुकाबले में जो गरीब मुल्क हैं, वहाँ पे गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा वोट डालने के लिए जाते हैं, और जब चुनाव होता है तो अमीर तबके के लोग ज़्यादा वोट डालने के लिए नहीं जाते। इसलिए चुनाव सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, चुनाव आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, अगर आप वंचित तबके के लोग हैं। तो ये चीज़, चुनाव जो है, इससे एक दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है, आपको क्या अधिकार मिलेंगे। और चुनाव से जुड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। क्या होता है इसका मतलब? प्रतिनिधित्व। अब आप एक बात बताइए, एक मिसाल के तौर पे लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आप सब लोग, मान लीजिए आप लोग जानवर हैं, जंगल में जानवर हैं, ठीक है, आप सब लोग मान लीजिए बकरी हैं, ठीक है, बकरी हैं, और मान लीजिए कि कोई पॉलिसी बनानी हो, पॉलिसी, ठीक है, जंगल का कानून क्या बनेगा, और मान लीजिए मैं शेर हूँ, ठीक है, मैं शेर हूँ, आप सब लोग बकरी हैं, आप लोगों ने मुझे चुन दिया कि हाँ जंगल के यही प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो मैं जब जंगल का प्राइम मिनिस्टर हो गया
तो मैंने पॉलिसी बनाई। तो पॉलिसी किस तरह की पॉलिसी आएगी? पॉलिसी बनेगी कि हर सुबह एक ताज़ा बकरी मुझे चाहिए, हर दोपहर में एक ताज़ा बकरी को मैं मारूंगा और हर शाम को एक ताज़ा बकरी को मैं मारूंगा। यानी शेर अगर कानून बनाएंगे, शेर अगर चुन के चले जाएंगे तो बकरी के अधिकारों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे, है ना। इसलिए अगर बकरियों को अपने अधिकार की रक्षा करनी है तो उनको बकरियों को संसद और पार्लियामेंट भेजना होगा। अगर बकरी अगर संसद और पार्लियामेंट में जाएंगे और मैं शेर हूँ और मैंने कहा कि अच्छा एक कानून बनेगा कि जो जंगल का राजा शेर होगा उसको हर दिन सुबह सुबह ताज़ा बकरी, दोपहर में उससे भी ताज़ा बकरी और रात में एक मोटी बकरी चाहिए, तो जो बकरी होगी वो कहेगा नहीं, ये बकरियों के अधिकार के साथ हनन है। हम बकरियों के भी तो अधिकार हैं, हमें भी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए, आप हमें मार के मार नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे अगर वो बकरी अगर उस संसद में होगी, उस पार्लियामेंट में होगी, तो अपने कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। इसलिए कमज़ोर तबके को चुनाव के ज़रिए अपने प्रतिनिधित्व को पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, अपने प्रतिनिधित्व को MCD में भेजना चाहिए। अगर चुन के नहीं जाएंगे तो फिर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगा। महिलाएं 50% के आसपास हैं, 50% हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो पार्लियामेंट में या असेंबलीज में नहीं है, 50% तो नहीं है। तो अगर 50% उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो आप महिलाओं के फेवर में आप देखेंगे कि बहुत सारे बिल और कानून नहीं बन पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो चुनाव कराने होंगे। चुनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि हमने जाके वोट डाल दिया, बल्कि चुनाव का मतलब हुआ कि जो समाज के सबसे कमज़ोर तबके हैं उनसे लोग चुन के पार्लियामेंट में पहुँचे ताकि उनके लिए कानून बनाए, उनके अधिकारों की रक्षा करें। तो चुनाव का मतलब सिर्फ क्या होता है? वोट डालना नहीं हुआ। चुनाव का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बटन पे बटन दबाना नहीं हुआ। चुनाव का मतलब हुआ कि गरीब, कमज़ोर, महिला, आदिवासी, पिछड़े लोग जब पार्लियामेंट में चुन के नहीं जाएंगे तो आप पाएंगे उस चुनाव का, उस लोकतंत्र का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हिंदुस्तान के लोकतंत्र को देख लीजिए, आप पाएंगे कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत ही बड़ा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कहते हैं कि बहुत ही दुनिया का बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कितनी महिलाओं को टिकट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में चुन के जा रही हैं? कितनी महिलाओं को बड़े बड़े मंत्री पद दिए जा रहे हैं? कितनी महिलाओं को समाज में काम करने का मौका दिया जा रहा है? कितने दलित को मौका मिल जा रहा है? कितने पिछड़े समाज के लोगों को मौका मिल रहा है? कितने मुसलमान को मौका मिल रहा है? उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए चुनाव में हमारे चुनाव प्रणाली जो है, या दुनिया के बहुत सारे कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ की चुनाव प्रणाली में खामी है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समाज के अंदर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो पिछड़े, गरीब, दलित, महिला हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व जो हैं वो चुन के नहीं आ पाते हैं। क्योंकि चुनाव को जीतने के लिए आपको बहुत सारे संसाधन चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, ताकत चाहिए। उतनी ताकत गरीब लोगों के पास नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब गरीब लोग पार्लियामेंट में चुन के नहीं जाते हैं तो गरीबों के हक में पॉलिसी नहीं बन पाती है, और जब नहीं बन पाती है तो चुनाव का और लोकतंत्र बहुत मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए चुनाव का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं हुआ, चुनाव का मतलब सिर्फ जाके किसी झंडे को लेके झंडा दिखाना नहीं हुआ, चुनाव का मतलब हुआ कि जो कमज़ोर, जो पिछड़ा, जो दलित तबका है, अगर उस इंसान की भागीदारी पार्लियामेंट और लोकतंत्र में सुनिश्चित नहीं की गई तो वो लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सही लोकतंत्र वही है जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आबादी के अनुपात में उनका रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे अगर समाज के अंदर में महिलाएं 100 में तकरीबन 50 हैं, तो पार्लियामेंट की भी अगर टोटल सीटें 500 हैं तो 250 महिलाएं होनी चाहिए। अगर असेंबली की टोटल सीट 100 हैं तो 50 महिलाएं होनी चाहिए। अगर समाज के अंदर में दलित समाज के लोग 15% और 20% हैं और 100 सीट है लोकसभा में या पार्लियामेंट में, तो 15 और 20 होने चाहिए।
मुस्लिम के भी होने चाहिए, पिछड़े के भी होने चाहिए, गांव के लोगों के होने चाहिए, मजदूर तबके के लोग होने चाहिए, रिक्शा पुलर के भी लोग होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं होंगे तो उनके हक में फैसले नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, शेर कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे बकरियों का फायदा हो, शेर हमेशा ऐसा ही कानून बनाएगा जिससे शेर का फायदा हो और बकरी को, बकरी की जान जाती रहे। इसलिए लोकतंत्र का मतलब चुनाव ज़रूर है, लेकिन अगर वो चुनाव रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, अगर वो चुनाव गरीब लोगों को आगे नहीं कर पा रहा है, अगर वो चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है आबादी के अनुसार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट देने में सबसे ज़्यादा गरीब लाइन लग रहा है वोट देने के लिए, वोट देने के लिए सबसे ज़्यादा महिलाएं धूप में बैठ के वोट दे रही हैं, लेकिन जीत के कोई और आ रहा है। तो हमें एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट सोचना होगा कि हमारे मुल्क में या बाहर के मुल्क में लोकतंत्र 50 साल पुराने हो गए हैं, 60 साल पुराने हो गए हैं, 70 साल, 100 साल, लेकिन क्या वजह है कि जो ब्लैक लोग हैं वो पार्लियामेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या वजह है कि गरीब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? कितने रिक्शा पुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं? कितने सब्जी बेचने वाले का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? कितने लोग जो हैं आपको कॉबलर कम्युनिटी के लोग पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हुए हैं? कितने स्टूडेंट के बीच में से पार्लियामेंट में जीत के जाते हैं? जैसे आप लोग जब 18 साल के आप हो गए, ठीक है ना, अब वोट डाल सकते हैं या 25 साल के बाद चुनाव लड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएं, कि अच्छे सिलेबस आने चाहिए, आपको अलग सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए लोकतंत्र का जो मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जाओ बटन दबा दो, 5 साल के बाद एक दिन वोट डाल दो, बल्कि लोकतंत्र का असली मतलब है गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी पार्लियामेंट पहुँचे और पॉलिसीज बनाए, क्योंकि पॉलिसीज आपके हक में आप ही के समुदाय का लोग बनाएगा, दूसरे समुदाय के लोगों के दिलों में वो दर्द नहीं हो पाएगा। महिलाओं की जो समस्या होगी, अगर कोई महिला है वो अच्छे तरीके से समझेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मर्द महिला की समस्या नहीं समझ पाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी महिलाएँ का दर्द समझ सकते, हो सकता है बहुत सारे महिलाएँ नहीं समझें, लेकिन महिलाओं का पहुँचना वहाँ पर ज़रूरी है। इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इलेक्शन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार क्या वजह है, डेमोक्रेसी भी है, सबको वोट देने के अधिकार भी हैं, सबके वोट का अधिकार एक ही है, और समाज के अंदर में गरीब लोग और कमज़ोर लोग ज़्यादा हैं, लेकिन गरीब और कमज़ोर लोगों से लोग चुन के क्यों नहीं जाते हैं? तो आप सोचते हैं तो आपको पता चलता है अरे यार हमारे इलेक्शंस में तो कुछ कमियाँ हैं। क्या कमियाँ हैं? ये कमियां एक जो बताई जाती है पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम नहीं है। क्या है? नहीं है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। इसको कहते हैं अंग्रेजी में विनर्स टेक इट ऑल। जो जीतता है वो सब लेके चला जाता है। मान लीजिए एक मुकाबला हो रहा है, ठीक है, मुकाबला हो रहा है, तो मुकाबले में मान लीजिए बहुत सारी ये है, कप हैं, प्राइजेज हैं, बहुत सारे प्राइजेज हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे 1,000-2,000 लोग मान लीजिए उसमें ये कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा चैंपियन हो उसने सारे इनाम लेके चले गए, सब कुछ विनर्स ही सब लेके चले जा रहे हैं। इसी का मतलब हुआ फर्स्ट पास द पोल। मिसाल के तौर पर अगर इस क्लास के अंदर में चुनाव हुआ और मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चे हैं और मैं चुनाव में खड़ा हूँ और ये खड़ा है और मुझे वोट मिले 51 और इनको वोट मिले 49, तो कौन जीता? आप। तो आप, मैं तो एक ही वोट से जीता ना इनसे, या दो वोटों से जीता, है ना, तो लेकिन इनको भी तो 49 आए, लेकिन इनको 49 आए और मुझसे सिर्फ दो ही कम है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला और मुझे ही सब मिल गया। तो हमारे लोकतंत्र में या दुनिया के बहुत सारे लिबरल डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, यानी जो जीता वही सिकंदर, जो नहीं जीता उनको कोई बहुत मदद नहीं मिलती है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के समर्थक ये कहते हैं बहुत आसान है, ये बहुत ही एफिशिएंट हैं
और वो कहते हैं कि ये सिस्टम कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कमज़ोरी इस सिस्टम के बारे में ये बताई जा रही है कि जो कमज़ोर तबका होता है, जो माइनॉरिटी तबका होता है, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है। और जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम अपनाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी पार्टी को जितना वोट शेयर आएगा उसके मुताबिक उनको सीट मिलेगी। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में जो BSP थी, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी की पार्टी थी, तो उसने बहुत सारे उसके वोट शेयर आए थे लेकिन उसके सीट्स उतने नहीं निकल पाए, है ना। मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ती हैं, आपके वोट शेयर 100 सीट है मान लीजिए, और आपके वोट शेयर आए 20, तो आपको कम से कम 20 सीट तो मिलनी चाहिए, लेकिन पता चल रहा आपको एक ही सीट मिल पाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे वोटिंग परसेंटेज, जो मेजॉरिटी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, फिर भी उनके सीट ज़्यादा हो जाते हैं, और छोटी पार्टियों के वोट परसेंटेज कुछ होते भी हैं तो उनको कुछ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानना चाहिए, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर वोट का काउंट होगा, हर वोट का एक मतलब होगा। ऐसा नहीं होगा कि विनर्स टेक इट ऑल, जो जीत गया वही सिकंदर और बाकी कुछ है ही नहीं। तो इस चुनाव में भी हम लोगों को चुनाव की पद्धति में भी सुधार करने की ज़रूरत है ना। हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। क्यों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है? क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कि जिसकी जिसकी संख्या भारी है, जो वो क्या कर रहे हैं, जो कमज़ोर तबके हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब एक बात बताइए मुझे, इस क्लास के अंदर मैं 100 बच्चे हूँ और 100 बच्चों के बीच में सिगरेट पीना है ना, अगर मान लीजिए 90 बच्चे कहते हैं ओ आई वॉन्ट स्मोक, हाँ मुझे स्मोकिंग बहुत पसंद है, तो 10 बच्चे करेंगे नो 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 नो, स्मोकिंग इज बैड, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपने कहा चुनाव करा लो, जिसकी जनता जो चाहेगी वही बात होगी। चुनाव हुआ, 90 लोगों ने कहा कि हमें सिगरेट पीना है। तो अगर आप लोकतंत्र को बहुत ही नैरो सेंस में देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ 90 ने तो कहा है सिगरेट पीना है तो पी लो, क्या दिक्कत है। तो 90 सिगरेट अगर एक साथ लोग जला के अगर कमरे के अंदर में पीना शुरू करेंगे तो छत फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा, फट जाएगा ना। तो इसलिए लोकतंत्र का मतलब हमेशा संख्या तंत्र नहीं है, मोबोक्रेसी नाम नहीं है डेमोक्रेसी का नाम। 10 लोगों की बात को मानना पड़ेगा क्योंकि वो सही बात बोल रहे हैं। तो चुनाव का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी भीड़ बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कम्युनिटी नंबर 1 के लोग बहुत बड़ी तादाद में है। अब आप चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे बी कम्युनिटी बहुत बुरी है, ए कम्युनिटी के नाम पर वोट दो, ए कम्युनिटी के नाम पर वोट दो। ये लोकतंत्र नहीं है। आपको कितने भी वोट आ जाएं, ये लोकतंत्र नहीं है। असली लोकतंत्र वही है जहां पे माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा होती है। और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटी नहीं, जो भी कमजोर आदमी होता है उसके अधिकारों की रक्षा होगी, तभी जाके आपको मेजॉरिटेरियनिज्म का इलाज हो पाएगा और इम्पावरमेंट होगा। हमें एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि मतलब बाहर करने की जो पद्धति होती है, लोगों को के साथ भेदभाव करने की पद्धति होती है, इसको रोकना होगा और हमें लोगों को अपनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। असली डेमोक्रेसी वही है जब एक दलित प्राइम मिनिस्टर बने, असली डेमोक्रेसी वही है जब एक महिला प्राइम मिनिस्टर बने, असली डेमोक्रेसी वही है जो कमज़ोर आदमी, एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने, एक रिलीजियस माइनॉरिटी बने, एक दलित बने, एक आदिवासी बने। असली डेमोक्रेसी वही है जो बड़े से बड़े पोस्ट पे कॉबलर पहुंच जाए, बड़े से बड़े पोस्ट पर सब्जी बेचने वाला पहुंच जाए, इसका नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का नाम यह है कि जब हर समुदाय को उनकी आबादी के मुताबिक से उनके लोग पार्लियामेंट में रहे, ताकि किसी एक व्यक्ति की मनमानी न चले, है ना। हमेशा याद रखिए कि अगर बकरियों का फायदा लेना है, बकरियों के फायदे में अगर पॉलिसीज बनानी है, तो हमें बकरियों को लोकतंत्र में, हमें पार्लियामेंट में भेजना होगा। बकरियों के हक में कभी भी शेर और भेड़िए पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, है ना। इसलिए जो डेमोक्रेसी है इसका नाम है इंक्लूजन। डेमोक्रेसी का नाम है इंक्लूजन। डेमोक्रेसी का मतलब है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का मतलब है कोलिशन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का मतलब एक कमजोरों के अधिकारों की रक्षा करना। डेमोक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब मॉब तंत्र नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब मोबोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब संख्या के जोर पर लोगों को दबाना नहीं। और चुनाव का मतलब सिर्फ सेल्फी खींचना नहीं।
चुनाव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अरे हमें चुनाव से क्या लेना देना है, हमें इलेक्शन से क्या लेना देना है, हम तो आज शाम को पार्टी करेंगे, ये नहीं। चुनाव जो है गरीब आदमी की जिंदगी के लिए जीने और मरने का सवाल है। चुनाव ये तय करता है कि उनके घर में पानी पहुंचेगा कि नहीं, चुनाव तय करता है कि उनकी बस्तियों को तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा। इसीलिए गरीब आदमी, कमजोर आदमी चुनाव को लेकर उसके अंदर में जोश और जज्बा ज्यादा पाया जाता है। गरीब मुल्कों में लोग वोट देने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, अमीर तबके, अमीर कॉलोनी के लोगों के अंदर में वो सेंसिटिविटी, वो एक्साइटमेंट चुनाव को लेकर नहीं पाया जाता है। इसलिए चुनाव जो है ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है। चुनाव सिर्फ बटन दबाना, चुनाव का मतलब एक सेल्फी लेना, चुनाव का मतलब सिर्फ पोस्टर पर अपनी तस्वीर छापना नहीं है, बल्कि चुनाव का मतलब है, चुनाव एक जरिया है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, चुनाव एक जरिया है अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए, चुनाव एक जरिया है इम्पावरमेंट समाज को करने के लिए, चुनाव एक जरिया है बराबरी पैदा करने के लिए, चुनाव एक जरिया है कमजोर से कमजोर आदमी को सत्ता पिलाने के लिए। जब कहने का मतलब है जब नौकरानी है ना, जब नौकरानी देश की सत्ता की महारानी बन जाए इसका नाम चुनाव है ना। जब नौकरानी को पॉलिटिक्स में आप महारानी बना दे, राजा रानी वाली महारानी नहीं कह रहा हूं, एक शायरी वाली बात कर रहा हूं। हमारे लोकतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में राजा और महारानी की कोई जगह नहीं है, मैं ऐसे एक जुमले के तौर पर कर रहा हूं। जब नौकरानी, जब गरीब आदमी, जब सर्वेंट जो है वो आदमी बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंचे उसका नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र का नाम है जब कमजोर से कमजोर आदमी ऊपर बैठे। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको लेक्चर इलेक्शंस के बारे में देने की कोशिश की। इस तरह के सवाल आपको आएंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है क्या आप इसको समर्थन करते हैं, है ना, क्या आपको लगता है कि फर्स्ट पास पोल सिस्टम में कुछ कमियां हैं, आपको लगता है कि इलेक्शंस में सुधार होना चाहिए, आपको लगता है कि हमारे देश में या मान लीजिए इस कंट्री के इलेक्शन और दूसरे कंट्री के इलेक्शंस की कमियां और खामियां क्या है। अब आप स्पेशल केस दे सकते हैं कि ब्रिटेन में किस तरह से इलेक्शंस होता है, इंग्लैंड में कैसा होता है, इंडिया में कैसा होता है, जर्मनी में कैसा होता है। बस इतना ही बात याद रखिए कि इलेक्शंस के दो ही मॉडल हैं, एक है फर्स्ट पास द मॉडल और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास द मॉडल का मतलब होता है कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट लाया वही जीता और बाकी लोगों हार गए, जिसको हम कहते हैं और भी आसान जमान में जो जीता वही सिकंदर, है ना, बाकी कुछ नहीं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि नहीं, हर वोट काउंट करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितना भी वोट लाएंगी उसके शेयर में उनको सीट दी जाएगी, हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अच्छा लोकतंत्र वही है, मजबूत लोकतंत्र वही है जिस लोकतंत्र में नीचे के लोगों को जगह दी जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें वोट भी आपका होगा और राज भी आपका होगा। जो कमजोर लोकतंत्र में होता है कि राज किसी और का होता है और वोट आपका होगा, अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें वोट भी आपका होना चाहिए और राज भी आपका होना चाहिए। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बात बताने की कोशिश की। इस तरह के जो लेक्चर हैं वो आपको कहीं भी काम देंगे, पॉलिटिकल थियरी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी कर सकते हैं, कहीं अपनी बात रखनी हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कैसे इंपावर करना है इसके लिए भी बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर भी इस बातों को जोड़ सकते हैं। तो ये मैंने बताने की कोशिश की, आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो बोलिए।